हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशिस किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगी पनीर बनाने की मेथड, कैसे पनीर घर पे बना सकते हैं हम। तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है, तो इसका बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने दूध लिया है, गाय का दूध है A2, और उसके साथ हमको एक नींबू चाहिए। सबसे पहले हम ये दूध को एक पतीली में ले लेते हैं। 500 ग्राम दूध में 100 ग्राम के करीब हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन करने के बाद इसको स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए होने देंगे, मीडियम आंच रखते हैं। अब हम गैस की आंच मीडियम से फुल पे रख देते हैं और इसके इसमें अच्छी तरह से उबाल आने तक रह देंगे। ये देखिए, ये दूध में अच्छी तरह से उबाल आ रखा है। अब हम इसमें, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें नींबू का रस ऐड करना है। पहले हम आधा नींबू यूज करते हैं और इसमें थोड़ा सा और एक दो बूंद के करीब ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखिए, ये पूरा पनीर रेडी हो गया है और पानी अलग हो गया है। ये देखिए, और बाहर से पनीर लाने में पता नहीं वो इतना भरोसा नहीं रहता हमको प्योरिटी का, इसलिए घर पे बनाना ही अच्छा रहता है। और ये घर पे बना हुआ हमने खुद बनाएंगे तो दूध का भी पता होगा कि कौन सा दूध हमने यूज किया है। तो घर पे बनाया हुआ पनीर आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से अलग हो गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर के हेल्प से एक सेपरेट कर देते हैं। ये हम इस तरह से हम इसको स्ट्रेनर में निकाल देते हैं और ये पानी जो है पनीर का, इसको आप फेंकेंगे नहीं, इसका बहुत ही फायदेमंद है ये पानी। ये मैंने एक ही 500 ग्राम मिल्क लेके आपको दिखाया है, जो मैंने पहले रेडी करके दिखाया हुआ था वो 1 लीटर दूध था, तो उसमें पनीर ज्यादा बनता है 200 ग्राम के करीब। ये थोड़ा कम बना है, लेकिन आप जरूरत के मुताबिक दूध ऐड कर सकते हो और उसका यूज करके पनीर घर पे बना सकते हो। इस तरह से अच्छी तरह से आप दबा के सारा पानी बने इतना सेपरेट कर लेना और उसको एक कोल्ड वाटर के एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल के इसमें 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। ये देखिए, ये पनीर रेडी है। तो इसी तरह से आप घर पे 1 लीटर दूध यूज करके पनीर बना सकते हो। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसका जो पनीर के बनाते वक्त जो पानी हमने निकला है, तो वो पानी के फायदे क्या है तो और उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू।